हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जब मैं एक न्यू गेम खेलने जा रहा हूँ, उस गेम का नाम है रोनाल्ड मैकडोनल्ड। इधर पे जो है तुम लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है मैकडोनल्ड वाले की दुकान है। दुकान ही कह लो यार, मैकडोनल्ड वालों की वैसे भी दुकान ही होती है। और इस गेम में जो है मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, और उस रेस्टोरेंट के लिए भाई ये मेरा कंपटीशन में। और मैं अभी जो इसकी सीक्रेट रेसिपी चुराने वाला हूँ, मतलब सीक्रेट रेसिपी पता नहीं इनकी क्या ही होगी, वो जो है मेरे को अभी चुरानी पड़ेगी। और इसकी एंडिंग जो है तीन प्रकार से होगी, मतलब तीन तरीके से जो है मैं इसकी एंडिंग कर सकता हूँ। पहला तरीका तो अच्छा यही वाला है, इधर पे बस ये कोड लिखना है जो मतलब ये वाला गेट है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो मेरे को रेड की लेनी पड़ेगी, और रेड की लेने के बाद मेरे को सबसे पहले ये दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ये खोलने अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये मैंने खोल दिया। और इधर अंदर जो है तुम लोगों को वो मैकडोनल्ड वाला दिख ही रहा होगा, दिख गया होगा ही। वैसे इधर से मेरे को अब ऊपर जाना पड़ेगा, छत पे जाके पड़ी हुई है एक की जो मेरे को लेके आनी थी, ये रही वो पता नहीं ग्रीन वाली की है, यही लेनी थी मेरे को। अभी यहाँ से नीचे चलता हूँ। नीचे चलने के बाद यार ये वाला एस्केप ना सही में बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब ये वाला एस्केप इतना आसान है ना, मतलब पूछो मत। ये वाला एस्केप तो बहुत बहुत जल्दी कर दिया होगा मैंने, सही बता रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं स्पीड रन कर रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बाहर पे ही आ गया, मेरे को लगा ये अंदर ही पे रहेगा। चलो ये वैसे बाहर नहीं आ सकता है, अगर मैं दरवाज़ा खोल के रखूँगा ना सीधा बाहर आ जाएगा ये। और ये वहीं जा रहा है यार, अभी मेरे को उधर पे जाना है। वैंकर तेरे को वहाँ जाने के लिए किसने बोला? चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर अंदर चलते हैं, बर्गर देखते हैं क्या क्या है। फ्रेंच फ्राइज भी यही है, बर्गर तो वैसे चलो ठीक ठाक ही हैं। इधर मैं छुप जाता हूँ पहले हाइड होने के लिए, वैसे भी ये मेरे को देख तो पाएगा नहीं, इधर आके बस खाली खड़ा हो जाएगा। चलो इधर पर जो है मैं अब चलता हूँ सीधा वहाँ अंदर पे। अभी ये पीछे आ गया यार, शिट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं चकमा दे के इधर मैं बाहर पर निकल सकता हूँ। चलो इधर पर अब इसको आने देते हैं। भाई तू बाहर आ सकता है? मेरे को तो नहीं लगता है बाहर आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे जो है उधर पे ही जाने देते हैं। चलो ये जो है उधर पे जा चुका है, और अभी इसकी एंडिंग देखना भाई, बहुत तगड़े तरीके से होने वाली है। इसको ऐसे गन मारूंगा ना अभी मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मैं ये खोलता हूँ। ये खोलने के बाद जो है इधर से लेनी है मेरे को ये गन। अबे इसे बंद नहीं करना था यार, ये अलग ही बेवकूफ़ है भयंकर। चलो इधर से एक गन ले लिया मैंने, उसकी पहली एंडिंग देखना, ये इसको मतलब मार देगा। और पहली एंडिंग पता है ऐसे क्यों हो रही है? क्योंकि भाई कॉपीराइट ना आ जाए, इधर पर पहली एंडिंग अपनी खत्म हो चुकी है। इस बार जो है मैं इसकी दूसरी एंडिंग करने वाला हूँ, वो सीधा इधर अंदर से ही होने वाली है। सबसे पहले जो है मैं रेड की लेके आता हूँ यार, इसकी मतलब मैं सही बता रहा यार, इतनी एंडिंग कर करके ना भाई मेरा दिमाग ख़राब तो वैसे ही हो जाएगा यार। तीन एंडिंग करनी पड़ती है बताया यार एस्केप करने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आराम से कर दूंगा। तू यहाँ बाहर पे आ सकता है, चल मैं तेरे लिए दरवाज़ा भी खोल देता हूँ। अब बाहर पे तो आ जाएगा, अब बाहर पे आ गया यार, वाह। चलो इसने बाहर पे आना भी इधर पे सीख लिया है, कोर को भी दिक्कत नहीं है भाई, तू अंदर ही जा। इधर अंदर जो है मेरे को कहाँ पे जाना था यार, मेरे को अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। उधर अंदर जाना है, और फिर वहाँ पे जाके एक कोड रहता है। अच्छा, वो कोड मेरे को यहाँ पे रट के आना होगा। वैसे भी कोड रटने में मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, समय मेरे से कभी कुछ भी चीज़ नहीं रटी जाती। इधर पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर यहाँ पत्थर भी मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ इधर पर क्या पता है ब्लड फ्लैश ऐसी कुछ डालना पड़ेगा। चलो इधर पर देखते हैं, इधर बाहर पर वैसे वो आ ही चुका है, बस इधर यहाँ बाहर पर ना आए वो। अबे बाहर पर आ रहा सीधा, मतलब इतनी चौड़ हो गई क्या आज इसकी, जो इसे तो बाहर पे आ रहा है वो भी मेरे को मारने के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से मैं थोड़ा दूर ही चले जाता हूँ। इधर से चलो ये उधर जा चुका है, तो अबे भाई इसके अंदर चले यार, अलग ही पागल है भयंकर ये भी। चलो इधर पे मेरे को ये खोलना है, और ये यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को कोड। कोड जो है इसके अंदर लिखा रहता है, सबसे पहले मेरे को ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। 38 मतलब 38 बोल रहा हूँ, वाह यार। और इधर पे जो है 13875, भाई ये तो मेरे को कभी याद नहीं रहेगा, कुछ भी कह लो ये याद ही नहीं रहेगा मेरे को, कहीं ना कहीं तो पक्का लिखना पड़ेगा। और इधर पे जो है मैंने एक कोड लिख दिया है, अब मेरे को सीधा इधर से बाहर एस्केप करना पड़ेगा। ये आ जाएगा, उसको मैं डॉच कर ही लूँगा, देगा मतलब ये एक नंबर का लाटा टाइप का है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरे को तो नहीं पकड़ पाएगा इधर पर। चलो दूसरा एस्केप भी जो है तुम्हारा भाई कर देगा। इधर पर क्या करना था, 31 और क्या था 875। इधर पे जो है ये कोड एंटर करता हूँ, और यहाँ पे स्केप हो चुका है ये वाला। इस वाले स्केप में पता नहीं क्या ही होगा, एक तो डिस्ट्रॉय होगा, ये मेरे को गोली मारेगा, और यही होगा। इधर पे कॉपीराइट होने की वजह से, इस वजह से जो है भाई मैं ये बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ भाई, कॉपीराइट क्या एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी अपनी वीडियो। इधर पर बोला तो वैसे नहीं जा रहा। चलो दूसरी एंडिंग कम्प्लीट हो चुकी है, और इधर पर जो है बस अपनी इस वीडियो की लास्ट एंडिंग बची हुई है जो मैं अभी करने वाला हूँ। इधर पर जाके जो है मेरे को फिर से रेड की लेनी पड़ेगी। अभी यार ये रेड की ना लेने के लिए वहाँ कसम से यार भाई बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। सबसे पहले ये एक तो ये उठा भी नहीं पाता भयंकर, एक नंबर का बॉट जो है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे वो रोनाल्ड चलो यहाँ पे जा रहा है भाई, जा ले उधर पे, अब क्या यहीं अटका रहेगा? एक नंबर का पागल तो वैसे है ही है ये, यूँ नहीं कि उधर पर जाए बेवाल्द को इधर अटका हुआ है।
चलो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मेरे को ये खोलना पड़ेगा और यहाँ पे लगाना पड़ेगा ये मेरा को बर्गर, मतलब ये बर्गर में जो है मेरे को किसी में टिक्की लगानी है, किसी में कुछ लगाना है, क्योंकि ये जो है अनफिनिश है इधर पे। सबसे पहले मेरे को ये फिनिश करने पड़ेंगे। अच्छा ये यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। एक जो है ये कैबेज है, कैबेज उठानी पड़ेगी मेरे को। अबे कैबेज उठा यार, इधर पे तू आ गया, अबे तू कुछ नहीं कर पाएगा यार। चलो इसको फिर मैं चकमा दे के फिर से आता हूँ। ये यहाँ बाहर पे आ जाए यार। अबे मैं कहाँ अटक गया? चल अच्छा मैं यहाँ पे भी छुप सकता हूँ, तब तो सही है। इधर पे आ जाओ ये रोनाल्ड, कुछ नहीं कर पाएगा। इधर पे फिर आ जा, कुछ नहीं कर पाएगा। भाई इसके साथ मैं ऐसे ही खेलता रहूँ तो ये देखो रोनाल्ड भाई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तेरे को मैं जाने ही नहीं दूंगा ले, अब यहीं पे अटका रहेगा तू। भाई इसने पकड़ लिया यार, मैं कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर पे ये इधर पे रहेगा या कहाँ पे जाएगा? अच्छा ये उधर से बाहर निकलना है, इसे निकलने देते हैं क्योंकि मेरे को उधर पे जाके अंदर पे वो रेसिपी चुरानी है। मेन रेसिपी का काम ही ना भाई उधर से चुराना होता है। इधर पे ये अब इधर खड़ा रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से बाहर ना आए बस। चलो अब जो है ये नहीं आएगा तो अबे अंदर चल यार भाई, एक नंबर का। एक तो ये भी पागल है ना भयंकर। ये वाला कहाँ पे लगेगा? ये वाला लगेगा यहाँ पे, बस्ट एक बोल रहा हूँ, बस एक। अभी जो है कि लास्ट वाला है जो मेरे को अभी यहाँ से निकालना पड़ेगा। चलो इधर पे वो जा चुका है तो सबसे पहले मेरे को ये उठाना पड़ेगा और ये लगाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। चलो ये लगाने के बाद जो है मेरे को चाहिए अब क्रोबार। चलो मैं उधर से लेके आऊँगा। अबे यार लेकिन ये कहाँ से आ गया भयंकर? ये चलो मेरे को पकड़ने दे, और तू मेरे को अब पकड़ लेगा? यहाँ से तो पकड़ ही लेगा यार। चलो इधर पे पकड़ने के बाद ये मेरे को उधर पे लगाना है और उधर से लेके आना है मेरे को क्रोबार। और क्रोबार कोड वैसे भी तुम्हारे भाई को याद है ही है, याद तो है नहीं वैसे, कहीं ना कहीं मैंने लिख रखा है। मेरे को कुछ भी चीज़ इतने अच्छे और इतने मतलब जल्दी तरीके से ना कभी याद नहीं रहती। चलो इधर भी मेरे को ये रखना था, ये मैंने रख दिया। और इधर पे चाहिए मेरे को वो क्रोबार। क्रोबार जो है वॉशरूम में होता है। चलो अभी ये वॉशरूम में गया तो इसे बाहर निकलने देता है। गया। चलो ये चला गया इधर से। इधर से अब मेरे को वॉशरूम में जाना है, ये खोलना है। और ये लास्ट वाला है इधर पे होगा, यहाँ पे क्रोबार। भाई देखो वाह क्या टट्टी कर रखी यार इधर पे, मतलब कुछ भी बोलो इधर पे ठीक ही कर रखी है। क्रोबार यहाँ से निकाल दिया है। चलो अपने हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर पे पकड़ लेगा भाई। यार ये भी एक नंबर का बॉट ही है भयंकर। इधर पे यहाँ पे ये रहा, इधर ना देखे ना बस, ये देखो उधर पता नहीं क्यों खड़ा हो जाता है। एक तो ऐसे बॉट होगी इधर। इधर से मेरे को अंदर जाना है जो मेरे को ये नहीं देख पाएगा। चलो इधर से मेरे को अभी एक क्रोबार से ये खोलना था जो मैंने खोल दिया है, और ये दरवाज़ा खुल जाए। चलो खुल गया। इधर पे जो है सबसे पहले मेरे को लेनी पड़ेगी आइसक्रीम। आइसक्रीम लेने के बाद जो है मेरे को ये रखनी पड़ेगी यहाँ पे। इधर पे एक कप यहाँ पे रखना था और एक और, हाँ एक कप जो है इधर पे ये रहा। ये कॉफ़ी वाला कप है, पता नहीं क्या कप है। सबसे पहले ये उठा लेता हूँ मैं। ये जाके जो है मेरे को उधर पे रखना पड़ेगा भाई। ये रोनाल्ड ना मतलब कुछ उतना ज़्यादा डेंजरस है नहीं। चलो यार अब लगता है शायद मेरा एस्केप होने वाला है। बस मेरे को यहाँ पे एक कप रखना था। कप जो है मैं इधर पे रख दूंगा। कप रखने के बाद ये खुल जाएगा। अच्छा यहाँ पे मेरे को कोड भी इधर डालना होगा। कोड वैसे क्या था? चलो इधर पे ये एंटर कर देता हूँ और इधर पे शायद ये खुल जाएगा। तो चलो गाइस इधर जो है मेरे को ये फ्राइज़ भी रखनी थी। ये फ्राइज़ रखने के बाद जो है ये खुल जाएगा। इधर पे देखो पता नहीं इसने किसे मार रखा है। चलो ये मेरे को मिल चुका है, इसकी सीक्रेट रेसिपी मैंने देख ली है, जो मतलब ये मार के ऐसे रखते हैं फ्रिज में। चलो इधर पे ठीक है, फिर एस्केप भी अपना हो ही चुका है। तो चलो गाइस आज की वीडियो करते यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, इधर पे जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। उससे पहले जो है यार ये रोनाल्डो मतलब रोनाल्डो फिर से बोल रहा हूँ, ये रोनाल्डो ना भाई एक नंबर का पागल है। इधर पे लास्ट वाला एस्केप पता नहीं मेरे से कैसे नहीं हुआ, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। मतलब उस कार में बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मैंने सब चीज़ इधर पे कर दिया था, उसमें बैठने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब तू ही बता यार मैं क्या करूँ, इधर पे एस्केप ही नहीं हो पा रहा।